सभी भक्तजनों को सप्रेम नमन। भक्तों, आज आपके समक्ष आपकी जिज्ञासा का समाधान लेकर आया हूँ। एक जिज्ञासा आई है कि क्या ईश्वर पिता समान है? पिता को क्या आदर्श माना जा सकता है? ईश्वर को अन्य रिश्ते के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया? ईश्वर तो सभी रिश्तों में है। आप जिस रिश्ते से समझ सकते हैं, यहाँ पर तात्पर्य तो मुख्य है। ईश्वर को समझने की बात है, उनको अनुभूत करने की बात है, महसूस करने की बात है। आपका भावनात्मक संबंध जहाँ से जिस तरह से होता है, उसी तरह से आप ईश्वर के यथार्थ स्वरूप को समझ सकते हैं। ईश्वर तो फिर रिश्तों से परे हो जाएंगे। मानवीय संबंध जो होते हैं, मानव के जो संबंध हैं, वह सामान्य आदमी को समझाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है कि पिता हैं, पालन करेंगे, रक्षा करेंगे, हम लोग का केयर करेंगे, हम लोग को शिक्षा देंगे। तो इस अर्थ में तो इसीलिए पिता को कहा गया है। फिर उसी तरह से ईश्वर को गुरु कहा गया है। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर। तो वहां पर ईश्वर को गुरु भी कहा गया है, क्योंकि ज्ञान जो है वह गुरु से आता है। तो वहां पर गुरु एक वो बना दिया गया है संबंध, ताकि आप समझ सकें कि ईश्वर गुरु है। ईश्वर को माता समान भी कहा गया है। तो जितने भी आपके रिश्ते हैं, वह सभी रिश्ते जो हैं, वह ईश्वर के ही संबंध से प्रकट हो रहे हैं। रिश्ते ईश्वर की ही अनुकंपा से प्रकट होते हैं। तो ईश्वर को सभी रूपों में और सभी रिश्तों में आप देख सकते हैं। चाहे भाइयों का रिश्ता हो, चाहे बहन का रिश्ता हो, चाहे संतान का संबंध हो, चाहे माता पिता, दादा दादी, किसी का भी संबंध हो, आप रिश्तों से संबंध से ईश्वर को समझ करके आप देख सकते हैं। यह सामान्य मनुष्यों के लिए बताया गया है। तो सामान्य मनुष्य रिश्ते नाते के हिसाब से किसी चीज को समझता है अच्छे से। इसलिए ऋषि महर्षियों ने ईश्वर को उस स्वरूप में देखा है। आप भी देखेंगे, कभी जरूरत पड़ती है तो, कभी माता मदद करती है तो माता नहीं कर पाती, पिता करते हैं, पिता नहीं कर पाते तो दादा करते हैं, दादा नहीं कर पाते दादी करती है, नाना नानी तो चाचा, ताऊ, चाची, कोई भी मदद करते हैं अलग अलग संदर्भ में। और किसी से भी हमें दंड भी मिलता है, तो किसी से प्रेरणा भी मिलती है, दंड भी मिलता है। भाइयों से, बहनों से, जीजा है, साली है, जितने भी रिश्ते आप समझते हैं, मित्र हैं, तो ईश्वर को मित्रवत भी माना जाता है। तो ईश्वर को सारे रिश्तों में माना जाता है। पिता के रूप में माना गया है तो कोई अचंभा नहीं है कहीं पिता के रूप में। लेकिन जो अब्राहमिक धर्म है, इस्लामिक धर्म है, इस्लाम है, ईसाइत है, चाहे यहूदी है, तो ये ईश्वर को एक लिंग में बांध दिए हैं, यानी पुलिंग कर दिए हैं, उसको पिता मानते हैं, फादर मानते हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है उनमें एक ही रिश्ते को ले लिया गया, लेकिन सनातन धर्म में एक ही रिश्ते को नहीं लिया गया, क्योंकि यहाँ लिंग भेद नहीं है उस तरह का कि उसको एक लिंग में स्त्री को पुलिंग में या स्त्रीलिंग में सीमित कर दिया जाए, ऐसा नहीं है। यहाँ तो है कि ईश्वर जो है लिंग से परे है, लिंगातीत है। लिंग अर्थात चिन्ह, उसमें किसी ऐसे प्रकार के चिन्ह नहीं है कि उसको नर या मादा इस तरह से मैं हम लोग उसको फिक्स कर रहे हैं।
नर और मादा भी हैं, लेकिन बस उसी में नहीं है, नर मादा भी है, नपुंसक भी है और इनसे परे भी है। परंतु अब्राह्मिक धर्म में यह जो है पिता ही माना जाता है, तो ईश्वर को पिता कह दिए गए हैं उनमें, तो वे माता के रूप में उसको परिकल्पना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि माता का जो ममत्व है, सॉफ्टनेस है, करुणा है, वह उनको उतना रास नहीं आ रहा था। वे मातृशक्ति को नहीं समझ पा रहे थे और कदर नहीं कर पा रहे थे, सम्मान नहीं कर पा रहे थे। लेकिन भारत में मातृशक्ति को सम्मान किया गया है, पहचान किया गया है, कदर किया गया है, इसलिए यहाँ पर ईश्वर को मातृ रूप भी माना गया है। और सभी जो देवी देवता हैं, इनको यह माना गया है कि वो आदि शक्ति से उद्भूत है, प्रकट है, तो माता रूप में भी हम लोग पूजा करते हैं। नव दुर्गा की आराधना हो रही है तो माता रूप में ही हो रही है। और सभी भूतों में कहा गया या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता मातृ रूपेण संस्थिता, तो हम लोग तो यहाँ पर मातृ रूप में, शक्ति रूप में, ज्ञान रूप में भी कहा गया है। दुर्गा सप्तशती का पाठ हम लोग जब पढ़ते हैं तो उसमें तो बताया ही जाता है, ये सब मंत्र आए हैं, ज्ञान रूपेण, शांति रूपेण, मोक्ष रूपेण, ये सभी वो मातृ रूप ही माना गया है। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि सिर्फ पिता ही माना गया है, पिता भी माना गया है, हाँ सिर्फ पिता जो है अब्राह्मिक धर्म में माना गया, इसीलिए वह एकांकी हो जाता है और निरंकुश हो जाता है। इसीलिए जो उनका ईश्वर है वह पीड़ित करने वाला, उसका स्वरूप जो है वो उभर करके आ जाता है, असहिष्णुता की भावना आ जाती है। और सनातन धर्म में जो है असहिष्णुता की भावना नहीं आ पाती है, क्योंकि यहाँ सभी रूपों में से स्वीकार किया गया है, पितृ रूप में भी स्वीकार किया गया है, मातृ रूप में भी स्वीकार किया गया है, मित्र रूप में भी स्वीकार किया गया है, भगिनी रूप में भी स्वीकार किया गया है, सभी रूपों में स्वीकार किया गया। और जाहिर सी बात है कि ईश्वर जब भी होंगे तो सभी रूपों में होंगे, सभी रिश्तों में होंगे, कण कण में होंगे और कण भी होंगे। यहाँ सर्व रूप की बात की गई है, सर्व संबंध की बात की गई है, तो यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबी रही है। तो आदर्श सिर्फ पिता को तो नहीं माना जा सकता, पिता भी आदर्श हैं एक अलग संदर्भ में, लेकिन सिर्फ पिता ही आदर्श हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता है। माता भी आदर्श, मित्र भी आदर्श, बहनें भाई भी आदर्श हैं, और भगवान ने भिन्न भिन्न अवतार ले लेकर करके भी सिद्ध किया है। तो अवतार से जो है मानवीकरण का सिद्ध हो जाता है, और रिश्तों के संबंध कैसे निभाए जाते हैं वे भी सिद्ध होते हैं। तो ईश्वर हमें एक आदर्श दे करके जाते हैं अवतार के रूप में, बड़े बड़े ऋषि महर्षि के रूप में ईश्वर जो है गुरु रूप में भी प्रकट हुए, हर रूप में प्रकट होते हैं ईश्वर, तो वो एक आदर्श दे के जाते हैं। तो आदर्श सिर्फ पिता ही नहीं होते हैं, सारे रिश्तों का अपना एक अलग अलग आदर्श, यहाँ तक कि पड़ोसियों का भी अपना एक आदर्श, आदर्श पड़ोसी भी हो सकते हैं। तो दुनिया के जितने भी रिश्ते होते हैं, यहाँ तक कि मनुष्य और पशु पक्षियों के भी जो रिश्ते हैं, मनुष्य और वनस्पतियों के भी रिश्ते हैं, इनके आपसी जो रिश्ते हैं उसमें भी एक आदर्शवादिता होती है। और जो आदर्शवादिता जहाँ भी होती है वह उसकी विभूति कहलाती है। भगवान ने सब जगह विभूतियों का वर्णन किया है, कहीं पर पीपल को भी माना है, कहीं गरुड़ को भी माना है, कहीं पहाड़ को भी माना है, कहीं समुद्र को भी माना है, तो सभी सभी को भगवान ने विभूति माना है। गीता में स्पष्ट विभूति योग में बताया गया ये सभी भगवान की विभूतियां हैं। तो यहाँ पर हर चीज को आदर्श के रूप लिया है, यहाँ तक कि मगरमच्छ को भी माना है आदर्श। तो रिश्ते और जितने भी तरह के जीव हैं वो सब अपने आप में एक आदर्श हैं,
हम किन से क्या सीख सकते हैं, सबके विलक्षण विलक्षण गुण हैं और कुछ अवगुण भी हैं। तो हर रिश्ते के गुण अवगुण हैं और हर रिश्तों की विलक्षणता है, उससे हम जितना सीख सकते हैं उतना ही ईश्वर के श्रेष्ठ गुणों के हम करीब जा सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यहाँ पर तात्पर्य तो बस इतना सा रह जाता है। तो इसमें इतना ही। हरिओम।